हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है भूमिका चौहान। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश का एग्जाम था, और अगर आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि इंग्लिश की बहुत ही बेहतर तैयारी हमने भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर करी थी। अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें भी बता दूं कि इंग्लिश की पूरे क्लास 12 के सभी बोर्ड्स, अभी आज यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो हमने इंग्लिश की पूरी तैयारी करी थी, और आज हम यहाँ पर आए हैं बच्चों से पूछने कि आखिरकार उनका एग्जाम कैसा गया। आइए जानते हैं। ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, सब कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रामर मुश्किल था। आधा घंटा भी बस खोल के देख लेते ना, इजी पेपर आया था। सबसे इजी सेक्शन ग्रामर की थी इसमें, सबसे इजी ग्रामर आया था, देखे हुए क्वेश्चंस आए, पूरा पेपर इजी था, पूरा पेपर। मतलब ऑनलाइन क्लास में ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिल जाती थी जिसमें कि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी टीचर्स ने बता देंगे, तो वही वहाँ से ही क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन, हाँ मैम, टीवी पे हूँ। हाँ, टीवी पे नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे डाउटनेट का चैनल है भूमिका चौहान इंग्लिश नाम से, तो उसमें मैं तैयारी करवा रही हूँ। योगेश शुक्ला बायोलॉजी सर है, हाँ, तो उन्हीं के साथ है हमारा, विक्रम सर के चैनल पे हम क्लासेस करते हैं। और वो अपना जो चैनल है, मतलब उनका टेलीग्राम भी है, वो लिंक भी डालते हैं इंग्लिश के लिए, जो अभी इंग्लिश एग्जाम में था। पता, मैंने अटेंड किया था एक दिन क्लास, उससे भी बट बायोलॉजी का कंटिन्यू अटेंड करता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी का। हाँ, और आज 7 बजे भी उनकी क्लास है, आज से उनकी क्लासेस चलेंगी। अब अगला एग्जाम आपका बायो का ही है, मेरा मैथ का। अभी मैं नोटिफिकेशन ऑन कर ही आया हूं, मैथ का भी। मैथ का आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके भेजोगे, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा होता है, और कोर्सेज भी होते हैं जिन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। 12 के बाद कुछ बता दो क्या करें, तो आप बताओगे आपको किस में इंटरेस्ट है, मैं कैसे बताऊंगी। बीटेक करना चाहता है, जेईई का एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। 24 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, सुनने में तो आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चों ने क्लासेस लगाई थी, तो उसमें से क्वेश्चंस आए थे। सेंट्रल आइडिया आया था हमारे, सेंट्रल आइडिया आया था, वो भी आया था, लेटर भी आया हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच। तो अभी कुछ और बच्चों से पूछते हैं, उनका पेपर कैसा गया। आपका नाम? दीपांशु उपाध्याय। मिस्टर खान। ओके, आपका? रोहित। तो इंग्लिश के पेपर की तैयारी कैसी थी ये बताओ पहले। 2 दिन पहले पढ़ा था, वही आ गया, सारा वही आ गया। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो पेपर देख के कैसा लगा? बढ़िया, एकदम अच्छा लगा था। भाई सारा पेपर आता है, सारा पेपर आता है। सुबह 2 दिन पहले ही पढ़ा था, दो दिन पहले पढ़ा था। जो पढ़ाई की थी हमने वही पेपर आया, बट पेपर सारा आता है। दिक्कत हो रही है, इसका आंसर बताइए। पूरे साल मत पढ़ो, 2 दिन पढ़ लो सुबह उठकर, इसका आंसर बताइए पहले का। अच्छा चलो, ये बताओ कौन सा सेक्शन आपको ऐसा लगा जो बहुत मुश्किल था? ग्रामर वाला। क्वेश्चन टफ आए थे? अच्छा, ये हो सकता है, क्वेश्चन नॉर्मल थे। तो पेपर टाइम पे मिल गया था आप सबको? टाइम पे, 15 मिनट लेट था। तो पेपर इंग्लिश का अक्सर ऐसा होता है कि ना छूट जाता है बच्चों का, तो ऐसा कुछ था कि लेंथी पेपर था या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। टाइम से हो गया था, टाइम से टाइम से हो गया, लेकिन हम टाइम से पहले भी करती थे पेपर, पूरा पेपर करके बैठे, मतलब ज्यादा लेंथी नहीं था पेपर। ऋतु नाम है आपका। ओके, तो पेपर की तैयारी कैसी थी आपकी? अच्छी थी। कैसा गया पेपर? शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा रहा। पेपर देख के कैसा लगा? मुश्किल था, आसान था? सही था। मतलब ग्रामर मुश्किल आया था, या कौन सा पार्ट ऐसा था जिसमें आपको लगा कि ये डिफिकल्ट है? ग्रामर वाला मुश्किल था, बाकी लिटरेचर अच्छा आया था। का नाम? मोहम्मद सोहेल। धीरज। ईशु गर्ग। आयुष यादव। अमन जाटव। ओके, तो आप सभी की इंग्लिश की तैयारी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। कितने दिन पहले तैयारी शुरू की थी आपने? 2 दिन पहले। तुम सबने 2 दिन पहले तैयारी क्यों शुरू की? मैं तो सुबह सुबह करके आया था, मेरा कल से तैयारी था। आई एम ए लेजेंड स्टूडेंट, मेरा कल से तैयारी था। क्या बात है। तो पेपर देख के आप सभी बच्चों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, पहली बार पूरा पेपर करके आया, 1 घंटे पहले पेपर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, पहली बार इतना अच्छा पेपर था। तो मतलब लेंथी नहीं था पेपर, ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। आपका नाम क्या बच्चे? मेरा नाम शिखा राठौर है, और जो आपने जो बर्थ और बर्थ में जो वो बताया था डिफरेंस, वो जरूर आया था उसमें। तो क्वेश्चंस आए थे जो हमने पढ़ाए थे। चलिए, एक आया था। तो कैसी थी आप सभी की तैयारी? पेपर देख के कैसा लगा कि मुश्किल है, कैसे होगा? पहले तो थोड़ा होपलेस हो गई थी मैं, उसके बाद पेपर का राइटिंग सेक्शन थोड़ा टफ था, और बाकी पेपर इजी था।
राइटिंग सेक्शन थोड़ा सा टफ आया था, तो क्वेश्चंस मतलब नॉर्मली नहीं आए थे, अलग तरीके के पूछे गए थे। राइटिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन बाहर से थे, वैसे जो भी पढ़ा हुआ था वही वहाँ से ही आया था। आपने तैयारी कब से शुरू करी थी? परसों से तैयारी। बाकी के दिन आप लोग क्या कर रहे थे? तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम मिला था हमें, बहुत ही कम। कल भी हमारा पेपर था और आज का भी पेपर है। कल भी हमारा पेपर था, आज भी पेपर था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, वरना वैसे पेपर अच्छा। रियलिटी बताऊं तो फेयरवेल की तैयारी हो रही थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मतलब ये एक कॉमन सी चीज़ है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हिंदी के, इंग्लिश के पेपर में छूट जाता है पेपर, ऐसा था इधर? टाइम मैनेज हो गया था, वन वीक का टाइम था और दो पेपर थे, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई, वरना वैसे पेपर इतना टफ नहीं था, हमारे लायक था, हम कर सकते थे। तो कोई अगर ज्यादा नहीं पढ़ के गया तो वो बच्चा भी इजीली पास हो सकता है, आराम से। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंग्लिश का एग्जाम आज हो गया है और काफी बच्चों को पेपर इजी लगा, काफी बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगा, कुछ बच्चों ने बोला कि 2 घंटे में ही हमारा एग्जाम हो गया था। बट जैसा भी हुआ कोई बात नहीं, आपका पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अब आपको केवल एक चीज सोचनी है कि आपका अगला एग्जाम किसका है। जिन भी बच्चों का मैथ्स का एग्जाम है, आपने भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर इंग्लिश की तैयारी की, वैसे ही अब आपकी तैयारी दीपक सर करवाएंगे। दीपक सर मैथ्स चैनल के ऊपर मैराथन्स लेंगे अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जैसा कि आपने देखा काफ़ी बच्चों ने बोला कि मैम आपने क्लास में जो सवाल करवाए थे वो क्लास में सवाल हमें आए थे हमारे एग्जाम में, तो वैसे ही दीपक सर भी आपकी ऐसी ही तैयारी करवाएंगे, जो एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि पेपर बहुत ही आसान था और आपको सारा आता होगा। तो ज़रूर मिलिएगा दीपक सर मैथ्स चैनल पर। अब मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।